ग्रेटा थनबर्ग, उसका नाम, उसका काम, उसकी उम्र के साल से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो मिट्टी, हवा और पानी के हक को लेकर सारी दुनिया की सरकारों से लड़ने निकल पड़ी है। जलवायु को लेकर केवल नीति बनाने और काम ना करने वाली हर सरकारों की आलोचना करती है। उसकी वफादारी केवल हवा और पानी से है, उसकी बहादुरी की कोई सीमा नहीं। वरना 16 साल की उम्र में 13 दिन 8 घंटे तक अटलांटिक महासागर की थपेड़ों का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। वो अपने पिता के साथ जान जोखिम में डाल लहरों का सामना करती रही। उसने लहरों से लोहा मोल ले लिया। ब्रिटेन से न्यूयॉर्क पहुंच गई सिर्फ इतना बताने के लिए कि आकाश में उड़ते जहाजों के एक धुएं से धरती की हवा खराब हो रही है। इस साल ग्रेटा नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदारों में से हैं। समंदर के बीच में अकेले रहकर अपने इरादों का इम्तहान देने वाली ग्रेटा के लिए हिंदुस्तान से एक पैगाम। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 300 ट्वीट को संज्ञान में लिया गया है, जिसकी जांच होगी। पुलिस कहती है कि ग्रेटा के खिलाफ FIR नहीं हुई है, लेकिन पुलिस यह भी कहती है कि ग्रेटा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक टूल किट अपलोड किया था, उसकी जांच हो रही है। देशद्रोह की धारा सेक्शन 124A, 153A, 153 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस टूल किट में ग्रेटा ने मंत्रियों को टैग करने, भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने, मीडिया हाउस के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही है। लेकिन भारतीय दूतावासों के बाहर तो नागरिकता कानून के विरोध के समय में भी प्रदर्शन हुए, किसान आंदोलन के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए दिसंबर के महीने में। क्या टूल किट की जांच का मामला ग्रेटा से नहीं जुड़ता है, जिनके हैंडल से ट्वीट किया गया है? ग्रेटा ने आज भी ट्वीट किया है कि वह किसान आंदोलन के साथ हैं। इस एक कदम से भारत को लेकर कितना विवाद बढ़ सकता है? सारी दुनिया के स्कूलों में इस बात की चर्चा होगी कि भारत में ग्रेटा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए टूल किट की जांच हो रही है। इन खबरों के साथ किसान आंदोलन स्थल के चारों तरफ लगी कटीली तारों और कीलों की भी तस्वीरें छपने लगेंगी, छप भी रही हैं। 2 साल पहले ग्रेटा के आह्वान पर भारत के कई शहरों में स्कूली छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई थी। भारत के कई स्कूल स्ट्राइक्स फॉर क्लाइमेट का कार्यक्रम अपनाते हैं। भारत के कई छात्रों की प्रेरणा है ग्रेटा। स्वीडन ने ग्रेटा पर डाक टिकट निकाला है। भारत का स्वीडन के साथ अच्छा रिश्ता है। जब यह खबर वहां पहुंचेगी तो कैसी छवि बनेगी? स्वीडन के अखबारों में भारत के बारे में क्या क्या खबरें छपेंगी? जब से किसान आंदोलन दिल्ली आया है तभी से कुछ लोग जल्दी में हैं, इसे साजिश बता रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। वो इतनी जल्दी में हैं कि किसान आंदोलन स्थल के चारों तरफ कीलें गाड़ रहे हैं। इन कीलों को देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि बात बात में किसानों की जय बोलने वाले लोग अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि जो भी किसानों की जय बोलता है उन्हें आतंकवादी नजर आने लगता है। इतनी कीलें और कांटे बिछा दिए गए हैं कि उन्हें अब किसान नजर नहीं आते। वो कांटों को देखते देखते कांटों की तरफ देखने लगे हैं। पुलिस के पास क्या सूचना है वो बेहतर समझती है, लेकिन उसके इस कदम से जो नुकसान हुआ है उसे हम भी कुछ समझते हैं और देख रहे हैं। जिस ग्लोबल छवि को बनाने के लिए अरबों रुपए फूंक दिए गए, दर्जनों यात्राएं की गई, उस ग्लोबल छवि को लोकल लेवल से खराब किया जा रहा है। ग्रेटा बहादुर लड़की है, उसके साथ दुनिया की लड़कियां खड़ी हो जाएंगी।